की बात को लेकर के, इस पर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने सुबह भी हमारे अध्यक्ष जी ने अपना वक्तव्य रखा है, एक बार पुनः आपके समक्ष दिल्ली वालों तक ले जाने के लिए अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य रखेंगे, फिर हम शिक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह जी, हमारे मीडिया के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह से जिहादी सोच और तुष्टीकरण की नीति को बढ़ाने का काम किया गया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। हम सत्ता में आएंगे तो हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। किसकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे आप? उस संपत्ति का सर्वे करवाकर उसको किसमें बंटवाएंगे आप? कांग्रेस इसको स्पष्ट करे। महिलाओं के गहनों का सर्वे करवाएंगे? आज जब सुबह बहनों ने प्रदर्शन किया और हमने एक ही बात राहुल गांधी से पूछी है कि आप इसकी पुष्टि करें कि आपने किस सोच के साथ इसको मैनिफेस्टो में जगह दी है। और कल तक जिस तरह से कांग्रेस गुर्रा रही थी, लेकिन कल जब सैम पित्रोदा का बयान आया है वो इस बात की पुष्टि करता है कि इसके घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये क्लॉज कोई अनजाने में नहीं आई है, एक सोची समझी साजिश के तहत आई है। सैम पित्रोदा ने जो अमेरिका का उदाहरण दिया है, इनहेरिटेंस लॉ की बात की है कि 55% वहां की सरकार जब्त कर लेती है और 45% छोड़ देती है। आप हिंदुस्तान की माताओं बहनों के 55% गहने और उनकी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं? एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, वो बयान आपने दिया है। और फिर कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, तो बताएं ना कि आपके माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया था कि इस देश की संपदा पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो बहुसंख्यक हिंदू होना गुनाह है क्या? इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? गले में मंगलसूत्र गहना पहनना गुनाह है क्या? कोई भी एक साधारण परिवार पूरी उम्र लगाता है एक एक पाई जोड़कर अपनी संपत्ति बनाने में, और कितने आराम से आपने लिख दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संपत्ति का सर्वे करवा के उसका अधिग्रहण करेंगे। कैसे अधिग्रहण करेंगे जी? उन घुसपैठियों को देना चाहते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं? किसको खुश करना चाहते हैं आप? तो हमने आज मांग की है कि राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगे, देश की जनता से उसका स्पष्टीकरण दे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मैनिफेस्टो का भी विरोध करेगी और कांग्रेस की इस घटिया और जिहादी सोच का भी विरोध करेगी। मित्रों, दिल्ली में हम लगातार पिछले लगभग 9.5 साल से एक सरकार देख रहे हैं जो अब पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली नगर निगम भी उन्हीं के पास है, शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे करती रही, मगर 15 दिन के अंतराल में 8 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में दिल्ली उच्च न्यायालय के दो आदेश आए हैं जो इस सरकार की बातों, इनकी इसके दावों की पोल खोलते हैं। मेरा अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि उस मसले को विस्तार से रखें और उसके बाद दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में जो गड़बड़े लगातार पिछले 1.5 साल से हो रही हैं उन पर हमारे विधान नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अपना वक्तव्य रखेंगे। साथियों, पिछले 2 हफ्तों में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 अलग-अलग ऑर्डर जारी कर दिल्ली सरकार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है। जिस शिक्षा व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल
और मनीष सिसोदिया विश्व स्तरीय बताते हैं, उनके दावों की पोल खोली है, उनको आईना दिखाया है कि ये व्यवस्था है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कि माननीय उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ रही है, आदेश देना पड़ रहा है, क्योंकि इनके मंत्री मंत्रालय में कम प्रेस वार्ता में ज्यादा बैठते हैं। उनको दिल्ली के विकास की चिंता नहीं है, अपनी पार्टी का विकास कैसे हो उसकी चिंता है। जिन दो टिप्पणियों को हम जिक्र कर रहे हैं उसमें माननीय न्यायालय ने स्कूलों की बदहाली पर सख्त निर्देश दिए हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूल में जो सोशल जुरिसडिक्शन की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो उन्होंने एक शिक्षा सचिव को सख्त फटकार लगाई है। स्कूल चल रहा है टीन शेड में, ये विश्व स्तरीय स्कूल है जिसके ये गाने गाते हैं, डेस्क टूटे हुए हैं, क्लासरूम बदहाल हैं, टॉयलेट की हालत खराब है और एक क्लासरूम में 144 बच्चे, आप जरा अंदाजा लगाइए, एक क्लासरूम में 144 बच्चे, और वो भी पढ़ कैसे रहे हैं कि एक का मुंह इस तरफ है बच्चों का और एक बच्चों का मुंह इस तरफ है, क्लासरूम एक ही है, उधर वाले उधर की पढ़ाई करेंगे, इधर वाले इधर की पढ़ाई करेंगे। यह है अरविंद केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था जिसके ये दावे करते हैं कि हम विदेशों में जाके सीख कर आ रहे हैं, ये सीख कर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को लूटने का तंत्र अरविंद केजरीवाल ने डेवलप किया पिछले 9 सालों में, और साथ ही साथ कल जो निर्णय आया है 2 दिन पहले कल, जिसमें तो नगर निगम आयुक्त को पेश होना पड़ा, लगभग 7 लाख से अधिक बच्चे हैं नगर निगम के स्कूल में, उसमें से 2,73,000 बच्चे जिनको ना किताब मिली ना कॉपी मिली ना स्कूल वर्दी मिली ना बैग मिले, और कितनी मासूमियत से निगम जवाब देता है कि जी हम बच्चों के अकाउंट नहीं है इनके, जबकि केंद्र सरकार का सीधा सीधा निर्देश है कि 0 रुपीज बैंक अकाउंट सभी बच्चों का खोलना है। क्यों अकाउंट नहीं खोले आपने, क्यों ये सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचाई? और कल तो कमिश्नर को कहना पड़ा कोर्ट में कि स्थायी समिति का गठन नहीं होने के कारण हमें दिक्कत आ रही है। कौन जिम्मेदार है स्थायी समिति का गठन नहीं होने देने का? आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है जो पिछले 1.5 साल से नगर निगम को चूस रही है, और माननीय उच्च न्यायालय ने 2 जो निर्णय दिए हैं ये आंखें खोलने वाले निर्णय हैं। मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को शिक्षा पे एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, हर स्कूल का ऑडिट करना चाहिए, खाली स्ट्रक्चर खड़ा कर देना या टाइलें लगा देने से, बिल्डिंगें खूबसूरत दिखाने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को सुविधाएं देनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार से मांग करती है कि कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद करे, कम से कम शिक्षा में तो भ्रष्टाचार बंद करे। दिल्ली को लूटने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, और ये 2 निर्णय सीधा सीधा बताते हैं कि दिल्ली सरकार कितनी अक्षम है और कितनी लापरवाह है दिल्ली के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। मैं चाहूंगा कि एक बार राजा इकबाल सिंह जी भी अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय